किया। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा समेत कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के समय लोगों को फ्री में वैक्सीन मिली, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी ब्लैक में बिक जाती। भाजपा सरकार हर स्कीम को जनता तक पहुंचा रही है, समाजवादी पार्टी परेशान है, बोल रही है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। हमने कहा जब नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है, हमारी नीयत साफ है और हम विकास करवा रहे हैं। अब तक बिजली के बिल देने पड़ते थे, अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिजली के ट्यूबवेल यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बिजली बिल देने की नौबत नहीं आएगी और सब फ्री हो जाएगा। एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं नौजवानों के लिए, अब तक अपने जितने भी स्नातक में पढ़ने वाले नौजवान बीए बीएससी बीकॉम एमए एमकॉम एमएससी बीटेक एमटेक मेडिकल फार्मेसी नर्सिंग पॉलिटेक्निक आईटीआई ये जितने छात्र हैं, 1 करोड़ नौजवान को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है चुनाव आयोग को, हमने कहा तुम कितना भी कंप्लेंट कर दो 10 मार्च के बाद हम 2 करोड़ नौजवानों को पहुंचाएंगे और जितना भी डिजिटल एक्सेस है यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन की तय के लिए जितना खर्चा आएगा इस सारा का सारा खर्चा भी सरकार वहन करेगी, किसी अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा, किसी माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा। और अगले पांच साल के अंदर हर परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। आज समय हमने प्रयास किया। तो योगी आदित्यनाथ लगातार सपा सरकार पर